वो भी इनको देखते रहते हैं, कुछ लोग इस फ्लोर पर रेंट पर रहते हैं वो भी आके इनको देखते रहते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सबके ये दोस्त ही समझ लें आप इनको। तो किसी एरिया में मिलता है, किसी एरिया में नहीं मिलता, हमारे यहाँ मिलता है तो भाई हम यूज़ कर लेंगे। और वैसे ये जो ज़मीन जो पानी हमारे पास है ना, ये सारा का सारा बोरिंग का है, तो क्लोरीन तो इसमें होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन डाल देता हूँ कि क्या ज़रूरत है, यानी कि क्या पता पीएच को स्टेबलाइज़ करने में हेल्प कर दे। तो देख रहे हैं इसके बाद ही किस तरह कलर आ जाता है। अच्छा, ये सारे के सारे कैदी इसके अंदर आ गए हैं, और इसको मैंने बंद इसलिए कर दिया कि मेरे तवक्कात से ज़्यादा इन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। पहले जो थे ना ये इतने नहीं उड़ते थे, अब तो मैं इनको देख रहा हूँ माशाल्लाह से इन्होंने। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड आज की दोस्तों। उम्मीद करते हैं भाई आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो भाई आज की एक और नई अपडेट वीडियो शुरू हो गई है, और आज कुछ काम इस तरीके से ना यार, सुबह का टाइम है, आज मैंने इनकी वैक्सीन करनी है बेसिकली, और इनको खाना शाना करना है। सोच रहा हूँ इनकी भी आज वैक्सीन कर दूँ, लेकिन खैर ज़रूरत नहीं है, पहले मैं ज़रा इनको खाना वाना डाल दूँ, उसके बाद ज़रा वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलें स्टार्ट यहीं से लेते हैं। पहले मैं इनको ज़रा एक काम करता हूँ, पहले तो ना खाना उठा लेता हूँ। ज़्यादा खाना होता है, ये दोनों गिराते ज़्यादा है। अच्छा जी, इनका खाना आ गया है, ये हमारे जेल के कैदी आज़ाद हुए। यार ये वैसे बंद ही रहते हैं, खुले रहते हैं, इनको बस मैं बंद जब करता हूँ जब मैं यहाँ की थोड़ी सी झाड़ू झाड़ू लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं रोज़ झाड़ू लगा देता हूँ, वरना फिर ये गंदे खाने में उसमें गंद में खाना खाएंगे ना वो बुरा लगता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये छत के ऊपर हर वक्त खुले रहते हैं। हमारे आसपास कुछ पड़ोसी भी हैं, वो भी इनको देखते रहते हैं, कुछ लोग इस फ्लोर पर रेंट पर रहते हैं वो भी आके इनको देखते रहते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सबके ये दोस्त ही समझ लें आप इनको। तो माशाल्लाह से यार ये भी सेट है। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछा था कि यार इसमें क्या करना चाहिए अगर ये बच्चे बच्चे दें, किसी ने कहा था कपड़े डालते, तो कुछ कपड़े के मैंने टुकड़े डाल दिए। ओवरऑल यार ये बस अब वैसे ही पड़ा रहेगा जब तक ये बच्चे बच्चे नहीं देते, क्योंकि मुझे लग रहा है पर्सनली कि पता नहीं ये बच्चे देंगे भी या नहीं देंगे, कुछ मशकूक लग रहे हैं मुझे। जैसे मैं आपको दिखाऊँ ना कि इसमें एक फ़ीमेल है जो अपने बाल तोड़ रही थी, मैंने देखे थे उसके बाल, यही थी मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़रा मैं देखूँ एक मिनट, यही थी वो, खाना खा रही है, खैर डिस्टर्ब नहीं कर सकता मैं अभी इस बेचारी को। तो यही फ़ीमेल थी जो अपने बाल बाल तोड़ ली थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये बच्चे देने के मूड में है, लेकिन खैर अभी मुझे नहीं पता, जब ये देंगे तो तभी अंदाज़ा करेंगे, अभी मैं इनको नहीं तंग कर रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार सही है, इसी से काम चल जाएगा, तो डिसाइड ये हुआ है कि जब तक मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं बढ़ाऊँगा ना, तब तक ये तीन टोकरियाँ ही हैं, थोड़े बहुत ये बड़े हों, थोड़े बहुत ये अपने आप को बढ़ाएँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से इनकी मज़ीद सेटिंग करनी है। तब तक ये इधर ही रहेंगे, और माशाल्लाह से देख रहे हैं ये कुछ चूज़े जो हर वक्त बाहर ही घूमते रहते हैं, और ये साइड से वहाँ से आ जाते हैं, कोना खुला हुआ हल्का सा, छोटा सा कोना आपको शायद दिख रहा हो, यहाँ से ये आ जाते हैं, अभी देखे निकल कर आया ये, और यहीं से अंदर चले जाते हैं, और जैसे कोई चील वील आती है ये फ़ौरन से अंदर घुस जाते हैं। इनका सेम यही हिसाब किताब है, अदरवाइज़ ये खरगोशों के साथ ही रहते हैं, और अब रह रहे कि इनकी इतनी इस तरह की आदत हो गई है ना कि इनका दिल ही नहीं करता। तो चलें इनके पास बैठने से अच्छा मैं ज़रा अपने काम वाम निपटा लूँ, क्योंकि इनके पास तो आप बैठोगे तो फिर आप इनके पास ही रहोगे, देख रहे हो माशाल्लाह से, रुक जाओ। तो भाई चलें ज़रा हम काम शाम निपटाते हैं, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक बात और मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि भाई हमारे कोर्स पे अमेजिंग डिस्काउंट है, अगर कोई भी परचेज़ करना चाहता है तो उसको 60% ऑफ ऑलमोस्ट हमारा कोर्स मिलेगा, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको पता है कि 4000 है, और अभी अगर आप बाय करते हैं तो 1500 का पड़ेगा, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग हमने सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं, उसके साथ साथ अगर कोई चीज़ आपको रह भी जाती है तो वो आप हमसे अलग से भी पूछ सकते हैं, तो ये सारी एडवांटेज आपको उस कोर्स में मिलेंगे। अच्छा यार, वैक्सीन करने के लिए दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, और मैंने एक दफ़ा दिखा दूँ वरना जो नए लोग होते हैं उनको समझ भी नहीं आता। इसमें एक वाटर स्टेबलाइज़र होता है जो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि क्लोरीन को न्यूट्रलाइज़ करेगा, पीएच को स्टेबलाइज़ करेगा, और इंडिकेट करेगा ब्लू डाई। ब्लू डाई करने का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको आगे जाके समझा देता हूँ, लेकिन इन तीन चार चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका बेसिक काम क्या होता है। किसी एरिया में मिलता है, किसी एरिया में नहीं मिलता, हमारे यहाँ मिलता है तो भाई हम यूज़ कर लेंगे। और वैसे ये जो ज़मीन जो पानी हमारे पास है ना, ये सारा का सारा बोरिंग का है, तो क्लोरीन तो इसमें होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन डाल देता हूँ कि क्या ज़रूरत है, यानी कि क्या पता पीएच को स्टेबलाइज़ करने में हेल्प कर दे। तो देख रहे हैं इसके बाद ही किस तरह कलर आ जाता है, पूरा का पूरा हाथ आपका ब्लू हो जाएगा। मैं ज़रा इसको मिक्स कर दूँ अच्छे से, और इसके बाद असल चीज़ जो है वो है वैक्सीन, मैं आपको वैक्सीन दिखाता हूँ। तो भाई अगेन ये वैक्सीन है, और इसका मैं आपको बताऊँ, इसमें बायोवैक LH120 स्ट्रेन का नाम है, एनडी की है ये, बेसिकली NDIB की वैक्सीन है, और कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा कि NDIB की है, एक दफ़ा मैं देख लूँ कहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है ना ये सामने ही, न्यू फ्रीज ड्राई लाइव वैक्सीन अगेंस्ट न्यूकासल डिजीज़ एंड इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस।
तो बेसिकली एनडी और आईबी की डिज़ीज़ है ये और वैक्सीन है। इसको खोलने का तरीका बहुत आसान है यार, आपने कहाँ से क्लिक करना है, हाँ यहाँ से, ये जहाँ पे लगा हुआ है ना, सॉरी एक हाथ से खोलना देना, थोड़ा सा भारी पड़ रहा है क्योंकि दूसरे हाथ में मोबाइल है मेरे। तो ये जो वैक्सीन का पानी है इसको आप अच्छे से इसके अंदर डाल के इसको मिक्सअप कर लो। तो बस ये पानी तैयार है, अब ये पानी जो है इनको देना है मैंने, और चूज़े बहुत सारे हैं। पहले बर्फ़ डाल दूंगा मैं टैंक के अंदर, मेन टैंक के अंदर, फिर उसके बाद इसको डाल दूंगा। बर्फ़ डाल दी है मैंने इसके अंदर, और इसके बाद अब वैक्सीन वाला पानी इसमें एंटर कर दूंगा बस। इसको अच्छे से मिक्स करके देना बस। अच्छा यार, मैंने लाइन के अंदर वैक्सीन का पानी डाल दिया है, पर उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे ना तो अभी वाइट पानी आ रहा है। उसका रीज़न सारा ये होता है कि जितना भी लाइन का अपना गंदा पानी होगा ना पहले वो निकलेगा, उसके बाद इसमें से वैक्सीन का पानी आना शुरू होगा। तो जब तक वैक्सीन का पानी नहीं आता मैं इसको खुला रहने दूंगा कि अच्छे से ज़ाया हो जाए, फिर एकदम से आप देखोगे ब्लू कलर का पानी आना शुरू हो जाएगा। और यही पानी मैंने थोड़ा सा इनके पास भी रख दिया है यहाँ पर, ये सारे के सारे उस पर अटैक करके अभी बस पानी पीने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये प्यासे हैं सुबह से। आज तकरीबन समझ लिया मैंने इनको 3-4 घंटे प्यासा रख दिया होगा। उसका रीज़न सारा ये था ना कि सर्दियाँ हैं तो इतना कोई मसला नहीं है, आप इनको सर्दियों में प्यासा रख सकते हो। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा कुंबा सिर्फ पानी पीने में ही लगा हुआ है। उसका रीज़न सारा यही है कि यार प्यासे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और मैं इनको फीड भी डाल दूंगा तो इनकी प्यास थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो ये एडवांटेज मिलता है हमें ब्लू डाई यूज़ करने का, एक तो कि इंडिकेशन मिल जाती है कि पानी कौन सा है कौन सा नहीं है, दूसरा एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि जो जो बट वैक्सीन वाला पानी पिएगा ना उसकी चोंच भी ब्लू हो जाएगी, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने पानी पिया है या नहीं पिया। मैं आपको दिखा दूंगा ज़रा अभी आगे जाके, थोड़ा सा ये पहले पानी आ जाए। अच्छा जी यार, ब्लू पानी आना शुरू हो गया जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं आप कि ब्लू डाई आ रही है। तो अब जितना भी पानी इन लाइनों के अंदर है वो सारा का सारा इनका है, वैक्सीन का पानी है। सेम इसी तरह की सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे इस तरफ की लाइनों की, यहाँ का भी मैंने वॉल खोल दिया, और फिर यहाँ पर भी थोड़ी देर के अंदर सारा का सारा जो पानी आएगा ना वो वैक्सीन का ही पानी आएगा। तो अब इनको खाना डाल देंगे ताकि इनकी भूख थोड़ी सी और बढ़ जाए, और वैक्सीन जो है अच्छे से इनको वो वैक्सीन वाला पानी मिल जाए। तो चलिए जल्दी से ज़रा खाना वाना में डाल दूँ इनको, क्योंकि शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस तरह से इनको सुकून भी मिल जाएगा, हमारा काम भी चल जाएगा आगे। अच्छा यार, वैक्सीन का पानी रख दिया है मैंने इन सब के पास, और मुझे तकरीबन हम फीड भी डाल दिए, मैं आपको ज़रा दिखाऊँ तो फीड भी डल गई है इन सबको, और वैक्सीन का पानी भी रख दिया है। अब तकरीबन समझ लिया मुझे आधा एक घंटा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, सॉरी 2 घंटे, 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा मुझे मज़ीद वेट करना पड़ेगा यहाँ पे ताकि सारे के सारे पानी पी लें, और फिर मैं इनका पानी चेंज करके फिर मैं निकल जाऊँ। तो जब तक ये पानी पी लेंगे मुझे यानी कि अंदाज़ा हो जाएगा। और इसका चेहरा देख रहे हैं आप, इसकी भी चोंच ब्लू हो गई है, इसी पर सिर्फ स्टेबलाइज़र की वजह से हुई है, वरना अगर स्टेबलाइज़र नहीं होता ना तो इसकी चोंच ब्लू नहीं होती। और मुझे इसके चार्ज पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो भाई इसमें जो है ना मुझे फाउल बॉक्स दिख रही है। इंशाल्लाह ताला कल से इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, बहुत लंबा हो गया वरना ये मसला बन जाएगा, इससे इतना बेहतर है कि इसका ट्रीटमेंट जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि आजकल के सीज़न में फाउल बॉक्स बहुत ज़्यादा है इन्हें, तो फालतू में रिस्क नहीं लेना, अल्लाह खैर करे। मैं एक चीज़ ज़रा और देखता हूँ, और ज़्यादा में नहीं दिख रही लेकिन 1-2 में है, तो इससे पहले कि इसको बढ़ाया जाए इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जब तक हम ज़रा खरगोशों के पास टाइम पास करेंगे 1-2 घंटा अपना, और उसके बाद हम निकल जाएंगे ज़रा घर के लिए, यानी कि घर के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की भी तो वैक्सीन करनी है ना, बटेरों की भी करनी है, मुर्गियों की भी करनी है, सिर्फ इनकी नहीं करनी, मेरा बस चले तो इनकी भी कर दूँ, लेकिन खैर इनकी नहीं करनी, बाकी सबकी करनी है। और इन सब के अंदर हमारा एक चूज़ा बैठा हुआ है, इन्हीं के घर में घुस के, उसको लग रहा है शायद वो खरगोश है, पर ऐसा नहीं है भाईजान, आप बाई चांस किसी और फील्ड का, आपकी फील्ड वो रही वहाँ पे, सब लोग आपके बंदे खाने वाने खा रहे हैं, और ये यहाँ पे सुकून से बैठा हुआ है खरगोशों के घर में। तो चले हम लोग भी चलते हैं, भाई तुम लोग बोला करो ना इनको ज़रा कुछ। तो चले यार, मैं ज़रा उस काम को निपटाता हूँ, पहले क्या कहते हैं बटेरों की भी वैक्सीन करनी है, छोटे चूज़ों की भी वैक्सीन करनी है, वो सारे काम निपटा दें, तब तक इनको हम खाना खाने देते हैं। और यार ये सच बताऊँ ना, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मुझे खाना खाते हुए यकीन करें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आपको भी अच्छे लगते हैं तो बताएगा यार, और दुआ करें कुछ बच्चे बच्चे दें तो और अच्छा लगेगा, कुछ रौनक लगेगी। तब तक के लिए बस चलते हैं हम ज़रा दूसरी जगह पर। अच्छा जी यार, इनके लिए भी मैंने वैसा ही पानी भरा दिया है, और अभी आपको महसूस हो रहा होगा कि यार शोर अच्छा खासा है, क्योंकि इन मासूम से बच्चों को मैंने काफ़ी देर से प्यासा रखा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ कि ज़रा इनके नलकों के अंदर भी वही वाला पानी आना शुरू हो गया है जो हमारे उन चूज़ों के अंदर था। और 1 मिनट देख रहे हैं, अभी ये सारे के सारे चूज़ों के पास ग्रीन यानी कि सॉरी ब्लू पानी आना शुरू हो गया स्टेबलाइज़र की वजह से। मुझे पता लगता रहेगा यार स्टेबलाइज़र की वजह से कि मैंने कौन से चूज़े को वैक्सीन दी है कौन से को नहीं दी। और इनकी अगर बात कर लें
इनकी मैंने कल सफाई करी और आज हाल देखें ज़रा। इनकी मैं अगर बात करूँ तो भाई इनको भी मैंने डाल दिया है। इनकी चोंचों का कलर आपको बता रहा होगा, मैं दिखाता हूँ किसी की चोंच का कलर। एक मिनट, अभी सामने था आगे पीछे हो गया। ये देखें, ये रहा एक चूज़ा, इसकी चोंच आपको ब्लू दिख रही होगी, क्या पता कैमरे में ना दिख रही हो। तो अभी इन्होंने भी तो ना पानी पीना शुरू कर दिया है, तो मैं इनको ज़रा फीड डाल दूँगा जल्दी से, ताकि उससे ये होगा कि इनकी प्यास थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और हम जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ा वैक्सीन वाला पानी पी सकेगा। तो चले मैं इनको भी ज़रा डाल देता हूँ, और ये आपस में लड़ने में लगे हुए हैं एज़ यूजुअल, मैं ज़रा इनको भी डाल दूँ और उसके बाद वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अभी जो मैं इनको फीड डाल रहा हूँ ना, या टोटल अगेन वही 30 kg के करीब डाल रहा हूँ, और ये वाला फ्लॉक अभी सबसे बेहतरीन चल रहा है हमारा, यानी कि दुकान के कंपैरिजन में, यानी कि वो जो दूसरा वाला फ्लॉक है जो केजीज में बर्ड्स रखे हुए हैं सारे के सारे, यहाँ पे तो आधे बर्ड्स केजीज में आधे यहाँ पर हैं। उसका रीज़न सारा ये है कि यार यहाँ का माहौल थोड़ा सा अच्छा है ज़्यादा, और आजकल मेरा फोकस थोड़ा सा डाउन हुआ हुआ है। सुबह देर से उठता हूँ मैं सो के, यानी कि 9-10 बज जाते हैं सोते सोते, 8-9 तो बच ही जाते हैं, तो उनको मैं आजकल दाना नहीं डाल रहा, यानी कि सिर्फ 2 टाइम दाना डाल रहा हूँ उनको। रात को डालता हूँ मगरिब के टाइम, उसके बाद उसी दाने को ज़्यादा कर देता हूँ और वो दाना फिर हम उसको अगले टाइम उठा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ के बर्ड्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और हमारा प्लान भी यही है कि पहले यहाँ के बर्ड्स को तैयार करूँगा, फिर उसके बाद वहाँ के बर्ड्स की तैयारी करूँगा। इसलिए बस उस बर्ड को अभी गुजारा लाइक चला रहे हैं, वक्त को धक्का दे रहे हैं ताकि मार्केट के रेट्स अच्छे हो जाएँ, उसके बाद उसका पंगा लेंगे। अच्छा जी भाई, अगेन अब रह गए हमारे नन्हे मुन्ने से बटेर। ज़रा मैं इसके ऊपर का सामान वामान हटा दूं और उसके बाद मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। अच्छा जी भाई, ये आ गए हमारे बटेर, और अब करनी है यार इन सब की भी वैक्सीन। पर इनकी वैक्सीन के लिए मैं इनके पास पानी अलग से नहीं रखूँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, इनको यहाँ से अलग करूँगा, यानी कि इन सबको मैं डालूँगा इसके अंदर, और फिर उसके बाद इनका मुँह एक एक करके वैक्सीन के पानी में डीप कर दूँगा, क्योंकि ये 100 के करीब चूज़ा है, इस पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसका पानी चेंज करो निकालो, वो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, और ये पानी इसमें वैसे ही इतना सारा भरा हुआ है, तो बेहतर है कि इसको मैं इसी में रहने दूँ और इन सबको मैं अलग अलग से पानी पिला दूँ। इस तरह इनकी वैक्सीन भी हो जाएगी और मेरा जो काम है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मैं करता हूँ ज़रा इस काम को भी शुरू, ताकि इस काम को निपटा के जल्दी से हम आज की वीडियो एडिट करें और उसके बाद इसको कर दें अपलोड। अच्छा यार, ये बहुत ज़्यादा छोटे से थे जब ये आए थे आप, यानी कि 4 डेज़ पहले आप देखें, संडे को मेरे ख्याल से आए थे, हाँ संडे को आए थे, और आज थर्सडे है, और 5 दिन में उन्होंने इतना, 4 दिन के अंदर इतना बड़ा साइज़ बढ़ा लिया अपना माशाल्लाह से, और इतने ज़्यादा हेल्दी हो गए कि समझ लें चूज़े से भी ज़्यादा, और उड़ना शुरू कर दिया इन्होंने, यानी कि जिस बॉक्स में इनको जमा कर रहा था इन्होंने उड़ना शुरू कर दिया उसमें। अच्छा यार, सारे के सारे कैदी इसके अंदर आ गए हैं, और इसको मैंने बंद इसलिए कर दिया कि मेरे तवक्कात से ज़्यादा इन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। पहले जो थे ना ये इतने नहीं उड़ते थे, अब तो मैं इनको देख रहा हूँ माशाल्लाह से इन्होंने उड़ना भी शुरू कर दिया, और बिल्कुल जिससे कहते ना मासूम मासूम से आए थे, अभी अच्छे खासे तैयार हो गए। तो बस ज़रा मैं इनकी वैक्सीन शुरू करूँ, और वैक्सीन का तरीकाकार ये होगा कि भाई इस पे से मैं एक एक करके निकालूंगा इनको, उसके बाद उसको इस पानी में डीप करूंगा, उसका मुंह खाली, और बस मुंह डीप करूंगा ये पानी पीना शुरू कर देगा, और फिर उसके बाद मैं उसको इस केज के अंदर वापसी छोड़ दूंगा। तो ये तरीकाकार होगा, इस तरीके से मुझे इन सबकी वैक्सीन करनी पड़ेगी। थोड़ा टाइम लगेगा पर कर देंगे जल्दी जल्दी से, अब क्या करें, क्योंकि फिर ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं इनकी वैक्सीन करूं और इनको छोड़ दूं बाकी सबकी वैक्सीन कर दूं। तो होता क्या है कि अगर आप एक जगह की वायरस वैक्सीन कर रहे हो तो आपको सबकी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ किसी एक में बीमारी फूटी निकली तो जाहिर से बात है नुकसान होगा अच्छा खासा। तो ये भी एक बड़ा दोनों ख़तरनाक किस्म का इशू है। तो ज़रा जल्दी जल्दी से अलग काम शुरू करते हैं, मैं जल्दी जल्दी इनकी वैक्सीन करके इस काम को भी ख़त्म करता हूँ। अच्छा वैसे यार बटेर में इतनी ज़्यादा वैक्सीन की नहीं जाती, लेकिन अब मैंने कर रहा था तो मैंने ये कर दी, और ज़्यादा से ज़्यादा NDIB की होती है एक दफ़ा बस, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन होता है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और आपको लग रहा होगा शायद मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, पर ये वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर दिया था, ऑलमोस्ट 15 मिनट जिसे कहते हैं ना के अंदर ये वैक्सीन हुई है सारे के सारे बर्ड्स की। आप शुरू में देखो मैं कैसे बैठा हूँ, और आहिस्ते आहिस्ते वीडियो के एंड में देखना कि मैं किस तरीके से ऑलमोस्ट ना लेट जाऊँगा। मेरा ख्याल था कि हो जाएगी जल्दी, लेकिन यार फिर तो बस दिल ही भर गया, तो ये वाली बात थी। तो बटेर की वैक्सीन अगर आप चाहो तो कर सकते हो NDIB की। अच्छा भाई, बहुत सारी मेहनत के बाद यार इन सब की हो गई है वैक्सीन, और मेरा ख्याल था आसान काम होगा, लेकिन मेरी कमर की दोनों जिसे कहते हैं ना बच गई, और खैर बचना तो गलत लफ्ज़ है, निकल अच्छी खासी जैसे कहते हैं थकान हो गई यार, क्योंकि 103 बटेर थे, यानी कि ऑलमोस्ट 7 के करीब मर चुके हैं, या एक दो कम आए होंगे, क्योंकि मेरे पास तो 4 मरे हुए दिखे हैं मुझे, हो सकता है एक दो कम हो या ज़्यादा हो, खैर वो तो एक बात की बात है, लेकिन ओवरऑल 107 बटेर हैं। और अब रह गया यार आज का आखिरी काम, उसको निपटा के इस वीडियो को भी एंड करते हैं, क्योंकि मैं भी अच्छा खासा थक गया हूँ, और उसके बाद मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल के एपिसोड में। तो मुझे बताइएगा ज़रूर यार आपको ये हमारी डेली व्लॉग कैसे लगते हैं, और क्या चाहते हैं किस तरह हम बनाते रहें रूटीन में, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई खास चीज़ नहीं होती पर मैं फिर भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके ऊपर भी अच्छा रिस्पांस आ जाता है। तो मैंने पूछना था कि कोई खास टाइम हो तो ही बंदा रिकॉर्ड करे या क्या करे,
चलें बात को लंबा नहीं करते, पहले हम यार उनको कर देते हैं, क्या नाम है इनका, मुर्गियों की वैक्सीन कर दूँ मैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को हम कर देते हैं एंड। अगेन भाई इन मुर्गियों को भी मैंने जो कहते हैं वैक्सीन वाला पानी डाल दिया है, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में या आधे घंटे में इनकी भी वैक्सीन हो जाएगी, क्योंकि इनको मैंने प्यासा रखा हुआ था और हर केज में देख रहे हो कि आप ये सब पानी पी रही हैं। और ऊपर भी देखो, ऊपर भी ऐसे ये सारी की सारी मुर्गियाँ जो है ना पानी पी रही हैं, क्योंकि इनको मैंने रखा हुआ था प्यासा। तो इस तरह यार आराम से रहते हैं, इनकी वैक्सीन करना सबसे आसान रहती है क्योंकि इनकी क्वांटिटी कम है। ये खाली 12 मुर्गियाँ हैं मेरे पास, लेकिन इन 12 मुर्गियों के मैं आपको बताऊँ, सुबह मैंने एग्स कलेक्ट किए हैं और अभी इस केज में आए हुए 1, 2, 3, 4 चार के चार आए हुए हैं। वैसे अच्छी बात है क्योंकि सुबह मैंने इस केज से एक अंडा उठाया है, तो उसका मतलब बाकी मुर्गियों ने उसके बाद अंडा दिया है। इसमें आया हुआ एक, इधर से भी मैंने 3 उठाए थे सुबह, और इधर आए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 इधर से, शायद फिर ये कह सकते हैं कि एक अंडा आगे पीछे हुआ हुआ होगा, क्योंकि दो मुर्गियाँ तो एक साथ अंडे नहीं दे सकती। या क्या पता यहाँ का अंडा नीचे गिर गया हो, कभी कभी गिरा देती हैं ये, तो ये भी पॉसिबल सिचुएशन निकल आती है। तो ओवरऑल यार बड़ा परफेक्ट किस्म का सांप था कि आपको तरीके से बस बर्ड्स को रखना होता है और बर्ड्स आपको डेली के अंडे दे रहे होते हैं। तो मेरा जो वो वाला जो मैंने आपको बताया था प्लान के, भाई सबको अंडे मिलेंगे घर के अंदर इंशाल्लाह ताला, जो उस प्लान के ऊपर हम काम कर रहे थे, मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया था कि हम उसको एक प्लान बनाएंगे कि सबको 15-15 मुर्गियाँ ऑलमोस्ट महंगी पड़ेंगी, और 15-15 मुर्गियाँ साथ के अंदर एक केज, इस तरह का एक बिल्कुल एक प्रॉपर सा चार्ट बना रहे हैं। और जो लोग भी अपने घर के अंदर रखना चाहें तो घर के अंदर रख के अपने अंडे पूरे कर सकते हैं। और जिनके पास, जैसे कराची में लोग हैं जिनके पास घर वर नहीं है, कहने का मतलब है कि फ्लैट्स में रहते हैं, तो वो लोग अपनी गैली में रख सकते हैं इसको। तो और 15 नहीं रखेगा तो कम रख लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह का इंशाल्लाह ताला प्लान बनाएंगे हम, या तो इस साल या फिर अगले साल, तो इसको भी हम ज़रा देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को कोर्स पर वीडियो बेस्ड कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो वो कोर्स भी हमारा परचेस कर सकते हैं। मैं इनका लास्ट दीदार करा दूँ आपको हमारे इस प्यारे से माल का, क्योंकि अब इनका लग गया है रश, और इनकी वैक्सीन भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है खैरियत से। तो मैंने कहा ज़रा इनका भी दीदार करा दूँ, आखिरी दफ़ा तो नहीं, अल्लाह ना करे इंशाल्लाह आखिरी दफ़ा ना हो, अभी तो ये फ्लॉक हमारे पास ही रहना है जब तक ये सेल होने के काबिल नहीं हो जाता। तो ओवरऑल देख लो यार कितने ज़्यादा फ्रेश हैं, भरपूर हैं ये माल। ये वाला माल देखो आप, यानी कि यहाँ पे जो केज में माल पड़ा हुआ है ना, ये बहुत बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू वो माल जो दुकान पर है। वो छोटा चूज़ा है क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा फीड नहीं मिलती, पर इनको फीड भरपूर मिलती है, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि पहले हम इनको तैयार करेंगे उसके बाद उनको। तो खैर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा अगर अच्छा लगे आपको तो। और साथ साथ भाई अगर हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स में अगेन डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो 1 जनवरी से पहले पहले बाय कर सकते हो, ऑलमोस्ट 60% आपको ऑफ मिल रहा है, 1500 रुपीज़ उसमें आपको वो कोर्स मिल जाएगा जिसपे हमने सारी चीज़ें गाइड करी हुई है, मीन्स वैक्सीनेशन और बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक मैनेजमेंट की है। और साथ साथ अगर आप उसके साथ आपको हमारी कंसल्टेशन भी फ्री मिलेगी, इनकेस कोई भी चीज़ ऐसी लगती है आपको जो आपको नहीं समझ में आई, तो उसको हम अलग से आपके बिज़नेस मॉडल के हिसाब से गाइड करेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।